रायगढ़ में किलो परियोजना के अधिकारियों की गलत प्लानिंग की वजह से शासन के 11 करोड़ रुपए बर्बाद हो गए हैं। अधिकारियों ने डैम में पार्क निर्माण के लिए ऐसी साइट का चयन किया गया जहां डैम का बैक वाटर आता है। बारिश में 4 महीने पार्क जलमग्न रहता है, वहीं पार्क की मैनेजमेंट कॉस्ट बढ़ जाती है। शुरुआती दौर में अधिकारियों ने वाटरप्रूफ इक्विपमेंट लगाने की बात कही थी, लेकिन बाद में फंड नहीं होने की वजह से ये मामला लटक गया। साथ ही बीते 2 सालों में पार्क का मेंटेनेंस भी नहीं हुआ है। पार्क भी पिछले 6 महीने से बंद पड़ा हुआ है। ऐसे में पैसों की बर्बादी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। भाजपा का कहना है कि अधिकारियों की उदासीनता और गलत प्लानिंग की वजह से पैसों की बर्बादी हो रही है। पूरा विश्व है वो पर्यटन को लेकर के चिंतित होता है। पर्यटन के माध्यम से स्थानीय निवासियों के रोजगार की सुविधा उत्पन्न करता है। भारत सरकार भी यही कवायद करती है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार की स्थिति है कि रायगढ़ जिले में 11 करोड़ का केलो डैम के पास में उद्यान बना हुआ, लेकिन न तो उसका रख रखाव हो रहा है, न उस पर पर्याप्त सुविधाएं हैं। निश्चित रूप से यदि इसका देखभाल होती तो लोग वहां जाते, लोगों को रोजगार मिलता और पर्यटन की सुविधा उत्पन्न होती। नहीं, ऐसी कोई स्थितियाँ नहीं है। सामान्यतः क्या होता है, मार्च के बाद जो आवंटन की स्थिति होती है और डीडीएफ पावर्स की जो स्थिति है उसमें कुछ हमको समय लग जाता है आने में। तो सामान्य प्रक्रिया है जो चल रही है और सुचारू रूप से काम चल रहा है। किसी कोई भी चीज़ है, हम घर की भी बात करें, कहीं भी बात करें, मेंटेनेंस तो एक रेगुलर प्रक्रिया है, वो होना चाहिए।